अच्छा मैंने ना थोड़े दिन पहले कच्चा मैंगो बाइट से दालगुना कैंडी ट्राई की थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो वो तो फेल हो गई। वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे, देख लेना यार क्या क्या कांड हुए थे उसमें, है ना। तो आप मतलब मैंने उसमें पूछा था कि मैं फिर से ट्राई करूँगी, मैं शायद कर लूँगी, तो आप लोगों ने काफ़ी ने बोला था कि हाँ ट्राई करो, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने दालगुना वो क्या बोलते हैं, मैंने कच्चा मैंगो बाइट ले ली और उनको मैं मेल्ट कर रही हूँ, कम गैस पर मेल्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं। अच्छा मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपने दालगुना कैंडी ट्राई करी क्या, मतलब बनी क्या नहीं बनी आपसे। मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी आगे वीडियो में, है ना, अभी भी इस वाली वीडियो में भी हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने इसको मेल्ट कर लिया, है ना, तो अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं। फिर बीच बीच में मैंने थोड़ा गैस को हाई करके भी किया था, क्योंकि यार बहुत बड़ा टाइम लग रहा था कम गैस करके मेल्ट करने में, ठीक है। तो फिर इसमें डाल दिया मैंने, तो जब मेल्ट हो गई ना तो मैंने गैस को बंद कर दिया कि यार शायद जल नहीं जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा डाला थोड़ा सा, फिर फूल ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, फिर थोड़ा सा और सोडा डालना पड़ा, पर इतने अच्छे से फूल ही नहीं, पता नहीं सोडा ख़राब तो नहीं पता नहीं क्या था, ठीक है। फिर मैंने बटर पेपर में, पहले पिछली बार ना मैंने बटर पेपर को ऐसे बटर पेपर में मैंने ऐसे डाल दी थी, इस बार मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया, उनका सेफ साइड निकल जानी चाहिए ये। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ठंडी होने के बाद एक शेप बना दी, मेरे पास यार कुकी कटर नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। तो मैंने ऐसे ही वो जो शहद होता है ना, हनी होता है, उसका ढक्कन लेके उससे से शेप बना दी। फिर थोड़ी देर सेट होने के बाद निकल तो गई है अच्छे से, पर ना थोड़ा सा बटर पेपर यार पीछे चिपका रह जाता है, पता नहीं क्या कैसे कर दें यार, मेरे को तो आता नहीं है, पता नहीं मेरे को तो समझ, मैंने बिल्कुल अच्छे से किया इस बार, पर बटर पेपर पूरा अच्छे से निकलता ही नहीं है, और गोल शेप भी निकल गई, वो तो मैंने अच्छे से कर लिया। मुझे बताना कमेंट करके यार बटर पेपर निकलता नहीं है पूरा।